हेलो सर। हाय हाय हाय, क्या हाल है बिल्कुल ठीक सर। नवप्रीत सिंह, कहाँ से हो? सर दिल्ली से हूँ, 19 साल का हूँ, अभी 12th खत्म हुई है। क्या क्या इंटरेस्ट हैं आपके लाइफ में? आई एम इनटू रैपिंग एंड बीट मेकिंग स्टफ। यू आर इनटू रैपिंग? या सो यू रैप करता है? रैप अपना या बाकी? अपना अपना। वेरी नाइस। कुछ सुने? या, सुना सुना। I wrote this rap for my friend. वो ड्रग्स में पड़ गया था बहुत ज़्यादा at the age of 17. So I wrote this कि उसको थोड़ा सा समझ में आए। यार मेरा केंदा, मेरा मन अज पींदा, मैं क्या है नहीं तरीका कोई जींदा, हले ता मन दा तू सब ते कुछ नाले, क्यों तू जानदा रहंदा है गर रब दे क्यों, जद मिलना नहीं कुछ ऐना तो तू पीरोजे शराब ते पेट अपने प्यो, जदो तू फड़े या सीओ ना दा तू हाथ ते नाले पैनी पग ते जाके गुरुद्वारे, तू कित्या पहली बार जद सत नाले नाम ते वाहे गुरु ते नाले किता वादा कर दे गलत ना चलू। I'm a fan of rap. जब ऐसा कुछ सीरियस चीज होती है तो मैंने देखा है कि आर्टिस्ट ज्यादातर मतलब थोड़े डीप टू बी सी या इसमें ये इतने ऊपर चले गए कि सीरियसनेस ऑफ द रैप मेरे को नहीं सुनाई दिया। हाँ। मेरे को दो लाइनें, पहली दो लाइनें बता। यार मेरा केंदा, मेरा मन अज पींदा, यार मेरा केंदा, मेरा मन अज पींदा, मैं ता कहना ए तरीका नहीं हो यार जींदा। सो यू गेट इट, यू हैव टू एक्सप्रेस इट, लाइक पीपल डोंट एक्सप्रेस इट राइट। एक तो सेकेंडली आई गेस इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लाइक पीपल लिसनिंग टू मी, बोहेमिया, बादशाह, एवरीबॉडी गेट्स सो इन्फ्लुएंस्ड, दे ट्राई टू बी लाइक देम, बिल्कुल वैसी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। दैट्स बोहेमिया स्टाइल, है ना? यार मेरा केंदा, तरीका नहीं हो जींदा, मेरा जी करदा अज पींदा। So that's the style. But if how do I recognize you? 10 जने आए तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये तू है? I'm better in English. हाँ जी? पंजाबी से better English है मेरी. पंजाबी से better English है? Bro, ये तो तू फंस गया, क्योंकि पता है क्या है? I'm not a fan of accent. So you can talk like this, bro, if you're not born there, you're not from the Bronx, you know what I mean? Get it? Let Nikhil be. And Nikhil, check this guy. चलो, go for it. Chess and dreams, kind of like Tom and Jerry, always working for the money, which is probably why rappers rap about all of them chains and goal of them big things, but here we use slaves. Stop. Yeah. Exactly what he said. I have no idea where that accent is from, but I can guarantee it that you've not lived it. Yeah, you aise kyun gaa raha hai? Achhi tarah se gaa raha hai. Teri English yahan par hum inka accent dekha nahi hai. जो इंडिया में पढ़ाया गया वही कुछ शब्द वैसे ही हैं, ऐसा अमेरिका अमेरिकन कुछ एक्सेंट नहीं है। तो लोगों को असलियत चाहिए, अगर उनको अमेरिकन एक्सेंट वाले चाहिए वहां पर हैं, दुनिया के सबसे अच्छे वाले। एमिनेम का सुनेंगे ना, तेरा क्यों सुनेंगे? वो पॉइंट है। अभी फिलहाल लेट्स हैव सम म्यूजिक, लेट्स सी सम बी बॉइंग एंड लिफ्ट अप। यार अच्छी बात है, चल अभी एक्साइटेड हो गया था। थोड़ा स्टार्टेड ऑफ सो नाइस बट अ वेरी गुड कॉइन, जैसे वो हर चीज, बट देन योर फ्लो नहीं था ना। उसको भी सुन, धपड़ा धपड़ी में और सारे कर दूं मैं जल्दी से, निकल जाऊं यहां से, ऐसा नहीं होगा। एंड नवप्रीत, तुम ना वो अपना सर तोड़ने से आई थिंक तुम 1 मिलीमीटर दूर थे। अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हो, किधर स्टेज है, किधर खत्म हो रहा है। स्टेज शो करोगे, गिर जाओ नीचे, फायदा क्या? मेरे को सिर्फ एक चीज बता दे, यू लव बी बॉइंग, वी जस्ट डू इट बिकॉज़ इट्स द थिंग। सर आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। सुपर्ब, देन यू नो हाउ इट स्टार्टेड? सर वो स्ट्रीट डांसिंग से शुरू हुई थी। ब्रो व्हाट डू यू से? मैंने जिंदगी में पैसे कमाए डांसिंग से, और मैं बहुत दूर दूर जाता था डांस सिखाने के लिए। आई लव डांसिंग, आई लव आर्ट। डोंट से कि स्ट्रीट डांस से स्टार्ट हुआ। आई नो हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट इट वाज। प्लीज, व्हाट इज द बी इन बी बॉय स्टैंड फॉर? सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। ब्रेक डांसिंग ब्रो, व्हाट वर यू डूइंग? सॉरी, ब्रेकिंग। नॉट अ फैन ऑफ द आर्ट, यू जस्ट डू इट बिकॉज़ इट वाज कूल। It breaks my heart, man.